हेलो एवरीवन वन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी इंपल्स टूडेन सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 18 ऑफ क्लास 11th दैट इज़ बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन द बॉडी फ्लूइड्स आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ़ द न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड द अदर इंपॉर्टेंट सब्सटांसिस इन आर बॉडी यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं वो एक ऐसे मीडियम का काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं ऑक्सीजन है अमाइनो एसिड हैं ग्लूकोज हैं उनको एक जगह से ले दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर दो मेन टाइप के फ्लूड पाए जाते हैं पहला है ब्लड और जो दूसरा है लिम्फ इस चैप्टर के अंदर हम इस ब्लड और लिम्फ के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लड के साथ जो ब्लड है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनके अंदर कोई ना कोई एक मैट्रिक्स जरूर देखने को मिलेगा वो मैट्रिक्स लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो सकता है रिजिड हो सकता है या फिर डेंस हो सकता है अगर हम ब्लड के मैट्रिक्स की बात करें तो वो एक लिक्विड मैट्रिक्स है यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स है जो हमारा ब्लड है वो कंसिस्ट होता है तीन चीज़ों से मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स तभी जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे इसके साथ साथ हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे अगर ब्लड के पीएच की बात करी जाए तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है और इसका पीएच होता है सेवन पॉइंट फोर यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का पी कितना होता है अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में जो प्लाज्मा है वो एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूड है जिसके अंदर नॉर्मली फिफ्टी फाइव परसेंट जो है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा ही पाया जाता है अब जो प्लाज्मा है वो बना होता है दो चीज़ों से पहला कंटेंट है वाटर और दूसरा कंटेंट है प्रोटीन अगर हम वाटर की बात करें तो नॉर्मली जो टोटल प्लाज्मा है उसके अंदर 90 टू 92 टू परसेंट जो है वो पानी मौजूद होता है वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन्स के बारे में तो ये लगभग सिक्स टू एट परसेंट पाया जाता है प्रोटीन्स के अंदर भी तीन मेन टाइप के प्रोटीन हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा के अंदर जो पहला है वो है फेब्रीनोजिन दूसरा है ग्लोब्योलिन और तीसरा है एल्ब्यूमिन ये जो फिब्रीन ओजन है ये नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसकी इनएक्टिव फॉर्म को फिब्रीन ओजन बोला जाता है और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब हम इसको फिब्रीन बोलते हैं तो ये जो फिब्रीन ओजन है ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करवाता है वहीं जो ग्लोबियलिन है वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व है यानी कि जो फॉरेन एंटीजेंट्स वगैरह आएंगे उनको किल करने में ये मदद करेगा और तीसरा है एल्ब्यूमिन ये मदद करवाता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में इसके अलावा हमारे प्लाज्मा के अंदर कुछ अमाउंट के मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सिरम तो जो प्लाज्मा जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं सिरम द प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज़ नोन एज सिरम इसके अलावा फिर हमने बात करी थी कि ब्लड के अंदर फॉर्म एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं तो जो इरेथ्रोसाइट्स हैं ल्यूकोसाइट हैं और जो प्लेटलेट्स हैं इनको कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोला जाता है और ये नियरली फोर्टी फाइव परसेंट जो है वो ब्लड का कॉन्स्ट्यूट करते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे एरेथ्रोसाइट्स के बारे में तो जो एरेथ्रोसाइट्स हैं इनका कॉमन नेम होता है आर बी सी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड काउंट होता है आर का वो है लगभग पाँच से साढ़े पाँच मिलियन्स इसके अलावा जो इरेथ्रोसाइट्स हैं या फिर जो आर हैं ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर और इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग वन ट्वेंटी डेज़ होता है जो स्प्लिन है वो आर का ग्रेवी है इसके अलावा जो हमारी आर होती हैं वो रेड कलर की होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और नॉर्मली 100 एम ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम एक एवरेज इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेचोर आर होती हैं ये इन्यूक्लिएटेड होती हैं यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर ई न्यूक्लिएटेड तो उसका सही आंसर होगा मेच्योर आर बी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि वो सेल्स जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइड्स जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनका कॉमन नेम होता है डब्ल्यू बी सी यानि कि वाइट ब्लड सेल्स ये नॉर्मली इन्वॉल्व होती हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये जो इनका कलर है वो होता है कलरलेस यानी इनका कोई कलर नहीं होता है क्यों क्योंकि इनके पास में हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसके अलावा अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये इरेग्युलर uh, शेप की होती है यानी कि इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है जो ल्यूकोसाइट्स या फिर जो डब्ल्यू बी सीज हैं ये न्यूक्लिएटेड होती हैं और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर आर के कंपैरिजन में कम अमाउंट में पाई जाती हैं लगभग सिक्स थाउजेंड से लेके एट थाउजेंड तक जो डब्ल्यू हैं वो हर एम ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलती हैं इसके अलावा अगर हम डब्ल्यू की कैटेगरीज़ की बात करें तो इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है पहला है ग्र्यूलोसाइट और दूसरा है अग्रैनुलोसाइट्स अगर हम ग्रानुलोसाइट्स की बात करें तो इसके अंदर आएंगे तीन चीज़ें पहली है न्यूट्रोफिल देन इज असिनोफेल्स और तीसरी है बेसोफिल्स वहीं अगर हम अग्रानोसाइट्स की बात करें तो इसके अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स को इंक्लूड किया जाता है जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये हमारी सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल होती हैं लगभग सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट जो है टोटल डब्ल्यू बी सीज़ की वो न्यूट्रोफिल्स ही देखने को मिलती हैं वहीं जो बेसोफिल्स हैं ये सबसे लीस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे कम अमाउंट में देखने को मिलती है नॉर्मली जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट ही हमें देखने को मिलती हैं जो न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं ये नॉर्मली फेगोसेटिक सेल्स होती हैं यानी कि कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय यानी उसको किल करने का ये काम करती हैं इसके अलावा अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो ये हिस्टामाइन सेरोटोनिन वगैरह को सिक्रीट करती हैं और इसके साथ साथ ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं अगर हम असिनोफेल्स की बात करें तो ये कोई भी इन्फेक्शन वग़ैरह को रेजिस्ट यानी उसको रोकने में मदद करवाती हैं और इसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करवाने में मदद करवाती हैं फिर है लिम्फोसाइट्स जो लिफोसाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिफोसाइट्स देखने को मिलती हैं पहली है बी लिफोसाइट और दूसरी है टी लिम्फोसाइट ये जो दोनों बी ओ टी लम्फोसाइट हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में जो प्लेटलेट्स हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है ये जो प्लेटलेट्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं एक स्पेशल तरीके की सेल से जो कि हमारी बोन मैरो में पाई जाती हैं और इन स्पेशल सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स जो प्लेटलेट्स हैं इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को क्लोट करवाना यानी कि ब्लड के अंदर अगर कोई लीकेज वग़ैरह हो रही है तो उसको कंट्रोल करना अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से एक्सेसिव लॉस होने लगता है ब्लड का हमारे शरीर से अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में तो जो ब्लड ग्रुपिंग है उसके अंदर नॉर्मली हमें दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग देखने को मिलते हैं जो सबसे पहला है वो है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग और जो दूसरा है वो है आर एच ग्रुपिंग हम शुरुआत करेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के साथ जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है ये जनरली बेस्ड होता है प्रेजेंस या एबसेंस के ऊपर दो सर्फेस एंटीजेंस के दैट इज एंटीजन ए और एंटीजन बी यानी कि नॉर्मली आर बी सीज के सर्फेस के ऊपर दो टाइप के एंटीजेंस देखने को मिलते हैं एक एंटीजन ए है एक एंटीजन बी है तो ये एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही हमारे जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है वो डिवाइडेड होती है इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है किसी भी इंडिविजुअल का उसके अंदर दो ए टाइप की एंटीबॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारे एंटीजन के रिस्पॉन्स में अब आपको ऑलरेडी ये पता है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे हम कोई भी ऐसे ही कोई इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप को हम नहीं मैच कर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल का कोई भी ब्लड ग्रुप हम नहीं चढ़ा सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले ब्लड ग्रुप को मैच करना पड़ता है तो उससे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुपिंग होते हैं और कौन से इंडिविजुअल को कौन सा डोनर जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है जो ब्लड ग्रुपिंग है वो चार टाइप की होती है एक होता है ए ब्लड ग्रुप फिर है बी ए बी और ओ ये चार टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो इंडिविजुअल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप उनके डोनर की कॉम्पैक्टिबिलिटी की अगर हम शुरुआत करें ए ब्लड ग्रुप के साथ तो सीधी सी बात है जो आर बी सी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा ए एंटीजन प्रेजेंट होगा अब अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी के खिलाफ बनेगी बी वाले के खिलाफ बनेगी तो इसीलिए यानी कि अब बी ब्लड ग्रुप वाला इस ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जो एंटीबॉडीज़ बनी है प्लाज्मा के अंदर ए ग्रुप वाले के शरीर के अंदर वो क्या करेंगी इस बी ब्लड ग्रुप वाली सेल्स को किल कर देंगी तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो बी ब्लड ग्रुप वाले है उससे अपना ब्लड नहीं ले सकता है तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए डोनर कौन होगा एक तो ये ए ब्लड ग्रुप वाला ही हो या फिर हो ओ ब्लड ग्रुप वाला अब ये है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला क्यों अपना ब्लड डोनेट कर सकता है उसको तो उसकी हम बात करेंगे आगे वहीं अगर हम बात करें बी ब्लड ग्रुप वाले के बारे में तो यहाँ पे जो आर के सरफेस पे जो एंटीजन देखने को मिलेगा वो है बी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी यहाँ पे वो किसके खिलाफ़ बनेंगी ए वाले एंटीजन के खिलाफ बनेंगी तो यहाँ पे जो उसको ब्लड डोनेट कर सकता है वो है बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप वहीं अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो इनके सर्फिस के ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं एंटीजन ए भी होता है एंटीजन बी भी होते हैं अब ऐसी कंडीशन के अंदर इनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होती हैं कोई से भी एंटीजन के ख़िलाफ़ तो इसीलिए ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी से भी अपना ब्लड जो है वो ले सकता है वो ए बी वाले ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है ए वाले से भी बी वाले से भी और ओ वाले से भी वहीं अगर, अगर अब हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है आर बी सी के सर्फिस पे अब अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी दोनों एंटीजनस के खिलाफ एंटीजन ए के खिलाफ भी बनेंगे और एंटीजन बी के खिलाफ भी बनेंगी तो यानी कि ना ये ए वाले से ब्लड ले पाएगा ना ये बी वाले से ब्लड ले पाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप वालों को सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों क्योंकि हर एक ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड जो है वो ले सकता है वहीं जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर यानी कि ये सबको अपना ब्लड दे तो सकता है लेकिन सबसे अपना ब्लड ले नहीं सकता है इसके अलावा हमने बहुत बार ये भी सुना है कि ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है यानी कि ए नेगेटिव भी होता है ए पॉजिटिव भी होता है तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अब हम आगे बात करेंगे आर एच ग्रुपिंग के अंदर ये जो आर एच एंटीजन है ये सिमिलर होता है रेसस मंकी से ये लिया गया था सबसे पहली बार वहीं पर ऑब्जर्व हुआ था इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था आर एच ग्रुपिंग नॉर्मली ये जो आर एच एंटीजन है ये हर एक जो आर बी सी होती है ह्यूमन बींग के अंदर उसको उसके ऊपर देखने को मिलता है ये जो आर एच ग्रुपिंग है ये भी दो टाइप की होती है एक होता है आर एच पॉजिटिव और दूसरा होता है आर एच नेगेटिव नाम से ही पता चलता है आर एच पॉजिटिव वो होंगे जिनके सर्फेस के ऊपर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा वहीं आर एच नेगेटिव वो होंगे जिनके सर्फेस के ऊपर ये आर एच एंटीजन नहीं देखने को मिलेगा यानी कि एबसेंट होगा अब एक स्पेशल केस होता है आर एच का और उसको बोला जाता है एरथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस तो देखते हैं इस बीमारी के अंदर होता क्या है यहाँ पे नॉर्मली जो मदर है वो होती है आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव यहाँ पर गलती से गलत लिखा हुआ ये जो मदर होगी ये क्या होगी आर एच नेगेटिव होगी और जो फीटस है वो क्या होगा आर एच पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब डिलीवरी होगी फर्स्ट चाइल्ड की तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो मदर का जो ब्लड है वो फीटस के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आए जिसकी वजह से क्या होगा अब आरएच का मदर जो मदर का जो आरएच है वो क्या है नेगेटिव है तो वो क्या करेगा इस पॉजिटिव आर के खिलाफ क्या बना लेगा एंटीबॉडीज़ बना लेगा तो फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी लेकिन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है सेकेंड डिलीवरी के टाइम पर उस टाइम पे क्या होता है कि जो मदर का ब्लड है वो लीक हो जाता है फ़ीटस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है जो एंटीबॉडीज़ uh, बनी हुई हैं मदर के ब्लड के अंदर वो फीटस के जो आर हैं उनको किल करने लगता है जिसकी वजह से फ़ीटस के अंदर एनीमिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं या तो एनीमिया हो सकता है या फिर जॉन्डस वगैरह भी हो सकता है अब हम बात करेंगे कॉगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में सो वेन एन इंजरी इज़ कॉज टू अ ब्लड वेसल ब्लीडिंग स्टार्ट्स विच इज़ स्टॉप बाई अ प्रोसेस कॉल्ड इज द ब्लड क्लोटिंग तो जब भी अगर हमें कभी चोट लगती है और वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर हर टाइम पे तो ब्लड बहता नहीं रहता एक टाइम के बाद वो बहना रुक जाता है वो जो ब्लड का वो जो बहने का जो रुकने का टाइम है उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग यानी कि जिस चीज़ की वजह से वो ब्लड की जो लीकेज थी वो बंद हो गई है इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग नॉर्मली एक डार्क रेड ब्राउन कलर का जो स्कम है वो हमें देखने को मिलता है उस साइड के ऊपर जहाँ पे भी हमें कट लगा हुआ था ये जो हमें स्कम देखने को मिल रहा है ये किस चीज़ की वजह से देखने को मिला है ये जो फिब्रीन की डिपोजिशन हुई है उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलेगा हमने जब प्लाज्मा पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उनमें से एक प्रोटीन था फब्रीनोजन जब मैंने आपको बोला था कि जो फेबरीन है वो इनएक्टिव फॉर्म है और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इसकी एक्टिव फॉर्म का नाम है फेबरीन तो यही जो फेब्रीन है वो क्या करता है आके इकट्ठा एक एक होने लग जाता है एक्यूमलेट एक होने लग जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है ये जो फेबरीन है ये नॉर्मली कन्वर्जन uh, से बनता है यानी कि जो इनएक्टिव फबरीन जब अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब जाके वो फबरीन बनता है तो ये जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके लिए उसको चाहिए एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बेन यानी कि जब फिब्रीन को ये थ्रोम्बिन एंजाइम मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अब ये जो फिब्रीन है ये भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसकी इनएक्टिव फॉर्म का नाम है प्रोथ्रोम्बिन जब इस प्रोथ्रोम्बिन को एक एंजाइम है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज जब इस प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिलता है तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर इसके अंदर जो कैल्शियम आयंस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोटिंग के दौरान अब एक बार ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको रिपीट में हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन है जैसे ही इसको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिला ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यानी कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया अब जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ ये क्या करेगा जो फिब्रीन मौजूद हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर उनको ये कन्वर्ट करवा देगा उनकी एक्टिव फॉर्म में दैट इज़ फिबरीन और फिबरीन क्या करेंगे अल्टीमेटली जाके उस साइट पे इकट्ठा हो जाएंगे जहाँ पे भी हमें चोट लगी हुई है और वहाँ से जो ब्लड की लीकेज है उसको बंद कर देंगे अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है जो अपना रोल प्ले करता है दैट इज़ वाइटामिन के ये ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अब हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में तो नॉर्मली जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है कैपिलरीज के थ्रू होते हुए तो बहुत बार कुछ वाटर सॉलेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव कर जाते हैं कैपिलरी से होते हुए और जो इंटर सेल्युलर स्पेस होता है टिश्यूज़ के बीच में यानी कि जो टिश्यूज़ की सेल हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटर सेल्युलर स्पेस वहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो जाता है अब ये जो फ्लूड है फिर ये रिलीज आउट जो हुआ है इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशल फ्लूड या फिर टिश्यू फ्लूड भी ये बिल्कुल ब्लड से सिमिलर होता है लेकिन इसके अंदर ब्लड के कंपैरिजन में जो प्रोटीन्स है वो कम अमाउंट में मिलते हैं कम कैल्शियम और कम फास्फोरस हमें देखने को मिलता है इसके साथ साथ ये जो लिम्फ या फिर जो इंटस्टिशल फ्लूड है ये कलरलेस होता है लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स मौजूद होती हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी या फिर इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाने में मदद करवाती हैं जो लिम्फ है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सबसे पहला ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं दूसरा फंक्शन है प्रोटीन्स को कैरी करता है तीसरा फंक्शन है कि जो ऑक्सीजन है फूड मटेरियल है हॉर्मोन्स है उनको ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करवाता है इसके साथ साथ ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो होता है जैसे ब्लड ब्लड वेसल्स में फ़्लो होता है बिल्कुल वैसे ही लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो होता है अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज़ के बारे में सर्कुलेटरी uh, पाथवे होते हैं दो टाइप के पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर मस्कुलर चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है यानी कि मसल्स का बना हुआ हर्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर अलग अलग चैम्बर्स मौजूद होते हैं जो फिश है उसके अंदर टू चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है वहीं जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर थ्री चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मौजूद है दैट इज़ क्रोकोडाइल तो ये जो क्रोकोडाइल है बर्ड्स हैं मैमल्स हैं इनके अंदर हमें फोर चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं इन तीनों चीज़ों से मिल हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बनता है इसके साथ साथ ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ हर्ट दूसरी है ब्लड वेसल्स यानी कि वो वेसल्स या फिर वो ट्यूब्स होंगी जिनके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो होगा और जो तीसरी चीज़ है वो है ब्लड इट हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं हर्ट के बारे में तो जो हर्ट है वो एक मीजोडॉम से ओरिजिन हुआ हुआ एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है ये नॉर्मली जो थॉरिक कैविटी होती है लंग्स के बीच में वहाँ पे मौजूद होता है और इसको प्रोटेक्ट करती है एक डबल मेम्ब्रेन जिसका नाम है पेरी कार्डियम इस पेरिकार्डियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्ट है उसको प्रोटेक्ट कौन सी करती है तो पेरी कार्डियम जो है वो हर्ट को प्रोटेक्ट करती है इसके अलावा जो हर्ट है वो मसल्स का बना हुआ है जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया लेकिन ये बना हुआ होता है कार्डियक मसल्स का जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर होती हैं यानी कि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती वो अपनी मर्जी से काम करती हैं अगर हम हमारे हर्ट की बात करें तो ये एक फोर चाम्बर हर्ट होता है इसके अंदर दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं ये जो दो एट्रिया हैं ये भी आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और इनको एक दूसरे से अलग करवाता है एक सेप्टम जिसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम यानी बिल्कुल सीधी भाषा में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो जो एट्रिया यानी कि जो लेफ्ट और राइट right वाला एट्रिया है उसको सेपरेट करवाता है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास दो वेंट्रिकल होते हैं एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और एक राइट right वेंट्रिकल होता है यहाँ पे भी एक सेप्टा मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल सेप्टा और ये जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टा है ये क्या करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करवाएगा अब हमने ये तो देख लिया कि जो लेफ्ट और राइट साइड के जो एट्रिया और वेंट्रिकल थे वो एक सेप्टम की मदद से सेपरेटेड थे लेकिन जो एट्री uh, और वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट और राइट साइड के वो भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं कुछ सेप्टम्स की मदद से जो एट्रियम और वेंट्रिकल हैं जो कि सेम साइड के होंगे यानी कि लेफ़्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हैं या फिर जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं एक सेप्टम से जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इसके अलावा वेल्व्स की अगर हम बात करें तो दो मेन वेल्व्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो पहली है वो है बायकस्पेड वेल्व और दूसरी है ट्राइक स्पेड वेल्व ये जो बायक स्पीड वेल्व है इसको मेट्रल वेल्व भी बोलते हैं ये गार्ड करती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को यानी कि जब ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होगा तो इसकी ओपनिंग को गार्ड कौन करेगी बाइक स्पेड वेल्व वहीं पे जो ट्राइक स्पेड वेल्व है ये गार्ड करती है राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल की ओपनिंग के इसके अलावा कुछ नोडल टिश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं जो मेन टिश्यूज़ हैं वो है साइनो एट्रियल नोड जिसको एस एन नोड भी बोलते हैं वहीं जो दूसरी है वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको ए वी एन भी बोलते हैं ये जो ऐसे नोड है ये नॉर्मली जो राइट uh, एट्रियम right के अंदर जो राइट अपर कॉर्नर है उसके अंदर ही देखने को मिलती है वहीं अगर हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की बात करें तो ये भी राइट एट्रियम के अंदर ही देखने को मिलेगी लेकिन ये देखने को मिलेगी लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर यानी कि ये दोनों नोड्स हमारे राइट एट्रियम के अंदर हैं ये चीज़ तो कॉमन है लेकिन जो बाकी की पोजीशन का फ़र्क है वो ये है कि ये जो ऐसे नोड है ये देखने को मिलेगी राइट अपर कॉर्नर के अंदर और ये देखने को मिलेगी लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर इसके अलावा जो पुरकिंज फाइबर हैं वो लेफ्ट और राइट बंडल्स के साथ मिला के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बंडल ऑफ हिस्स इसके साथ साथ ये जो नोडल मस्क्यूलेचर है इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट की जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है वो है एस नोड और इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के हमारे हर्ट के जो हमारा हर्ट हृदय में कॉन्ट्रैक्शन करता है उसके लिए एस एन नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और उसकी वजह से पॉसिबल होते हैं और इसीलिए एस एन नोड को हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं यहाँ से बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ हर्ट पुर फाइबर ऑप्शन में मिल जाएगा बंडल ऑफ हिस मिल जाएगा एस एन नोड मिल जाएगी एवियन नोड मिल जाएगी द राइट आंसर विल बी एस एन नोड So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share, and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you.